हेलो पानी रे, पानी पानी रे। जल जब तक तक जल जल सुरक्षित है, तब तक कल सुरक्षित है है तब कल ही तो जीवन है तो बच्चों इस जल की अहमियत को हमें है जानना पानी के बिना एक दिन भी क्या आप इमेजिन कर पाओगे बच्चों बिल्कुल भी नहीं सो दिस वॉटर इज सो एसेंशियल टू ऑल ऑफ इस इतना ज्यादा जरूरी है पानी तो नहीं करनी इसके साथ बेईमानी बच्चों हमें हमारे आसपास जो रिसोर्स है उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स है वाटर सो हाउ इज दिस वाटर एग्जैक्टली रीचिंग अवर हाउस वी ऑल नो हम सभी ये बात जानते हैं कि हम पानी को हमारे आसपास पास में सीस में रिवर्स में पॉन्ट्स में पाते हैं पर जब वो हमारे घर के टैप में आ जाता है तो एक्चुअली उसके साथ हो क्या रहा है तो क्या आप समुद्र में से एक गिलास पानी भरेंगे और उसे नहा सकते हैं या उसको पी सकते हैं बिल्कुल नहीं हमें उस वाटर को प्यूरीफाई करना होगा क्या करना होगा प्यूरीफाई करना होगा सो बताइए हाउ टू प्यूरीफाई वाटर इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा हमारे क्लास 9th की केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर से ही सो so, स्टूडेंट्स आज हम इस मुश्किल और जरूरी सवाल का जवाब ढूंढेंगे how to purify water तो देखते हैं जो हमने हमारी क्लास 9 के सेकंड चैप्टर में सीखा है वो यहाँ पर कैसे और कहाँ यूज हो रहा है सो so, क्या आप तैयार हैं इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए how to purify water तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए अब हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स इन व्हिच वी आर गोइंग टू प्यूरीफाई आवर वाटर So, जो हम हमारे सिटीज में हमारे घर के टैप में जो पानी आता है उस पानी को पाने के लिए क्या करना होगा हमें चलिए उसके बैकग्राउंड को जानते हैं पानी जहां से निकलता है और हमारे घरों तक पहुंचने के लिए बीच की जर्नी इस दास्ता को समझी जाए इस जर्नी में हो क्या रहा है पानी के साथ चलिए इसको जानते हैं हम स्टूडेंट्स इन सिटीज ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम वाटर वर्क्स आप जानते हो ना कि हमारे घरों में जो पानी आता है राइट right? जिसको हम वाटर प्योरीफायर से प्योर करके पानी पीते हैं आपने देखा होगा गांव वगैरह में ये आर ओ वॉटर प्योरीफायर नहीं होते वो डायरेक्टली पी लेते हैं सुबह जो टैप वाटर आ रहा है जो कभी कभी ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए भी लोग यूज करते हैं वो प्योरिफाई कैसे किया जाए व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग है वॉटर विच इज प्रेजेंट इन दीज एंड देन फॉर इट टू कम टू अवर हाउसेस इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें यह करना होगा हमें ये जानना होगा कि कैसे रिजर्व में जहां पे हम पानी स्टोर करके रखते हैं राइट right? रिजर्व क्या होगा जहां पर पानी को स्टोर करके रखा जाए उसी को तो कहते हैं रिजर्वर सो फ्रॉम रिजर्वर टू अवर हाउसेस वॉट एक्टलीस टू दॉटर ऑफ डिजोलोरिटीज आर रिमूव बहुत सारे अनवांटेड वेस्ट अननेसेसरी इम्प्योरिटीज को रिमूव कर दिया जाता है बच्चों तो इस रिमूवल ऑफ अनवांटेड वेस्ट अनवांटेड इम्प्योरिटीज को कैसे किया जाए व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स लेट्स फाइंड आउट स्टूडेंट्स हमें ये जानना होगा जो हमारे घरों में पानी आता है वो एग्जैक्टली exactly उसके साथ हो क्या रहा है देखिए नदियों में समुंदर से आने वाला पानी हमारे घरों में पाइप्स के थ्रू आता है राइट right? उसेज देर आर डिट डिफरेंट प्लेसेस वेर इट गोस ये पानी को अलग अलग टैंक से पास किया जाता है बच्चों अलग अलग तरीकों से एंड वॉट एक्सैक्टलीट यू है कैसे वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट में वॉटर को प्योरिफाई किया जाता है सो so स्टूडेंट्स हमें कैसे अलग अलग टैंक्स में डलने के बाद हमारे घर में जो पानी आता है उसके बारे में है जानना ये टैंक्स की जिसकी बात मैं कर रही हूँ इन अलग अलग टैंक्स में होता क्या है ये अलग अलग टैंक्स हैं क्या अभी जान लेते हैं वॉट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व टू प्योरीफाई वाटर ये स्टेप्स आपको जानने बहुत ज़्यादा जरूरी हैं और जैसे ही आप इन स्टेप्स को जानोगे यू विल रियलाइज दैट दर इज अ वेरी बिग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक बिहाइंड इट सिर्फ एक टेक्निक यूज नहीं कर रहे हम सेपरेशन की और भी कोई टेक्निक यूज करने वाले हैं तो वो क्या है और कैसे होगी चलिए जान लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि वाटर जो हम रिजर्व में स्टोर करते हैं वो वाटर पहले जाता कहाँ पर है फर्स्ट स्टेप क्या है सेकंड स्टेप क्या है टोटल कितने स्टेप्स है कंफ्यूजन डोंट वरी एट ऑल आई विल एक्सप्लेन टू यू स्टेप वाइज एक एक स्टेप से समझते हैं कि कैसे इन अलग अलग टैंक्स में हो क्या रहा है एग्जैक्टली exactly? और घरों में पानी आने तक की इस जर्नी को जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ओवरऑल स्टेप्स कितने हैं तो चलिए अभी बता देती हूँ वाटर इज प्यूरिफाइड बाई सेपरेटिंग द इम्प्योरिटी एंड द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज फॉर दिस प्योरीफिकेशन तो पहला स्टेप क्या है देखिएगा जरा सेडिमेंटेशन ऑफ सॉलिड इम्प्योरिटीज क्या है बच्चों सेडिमेंटेशन ऑफ सॉलिड इम्प्योरिटीज बताइए सेडिमेंटेशन वर्ड सुन रखा है कि नहीं जानते हो आप सेडिमेंटेशन क्या होता है सेडिमेंटेशन बच्चों ऑलरेडी यंगर क्लासेस में भी आपने सेपरेशन टेक्निक्स में जरूर सीखा होगा सेडिमेंटेशन एक ऐसी सेपरेशन टेक्निक है जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो सारे जाकर नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं जो भी अनवांटेड वॉन्टेड इंप्योरिटीज हैं अनवांटेड पार्टिकल्स हैं उनकी बात कर रही हूं मैं सो अनवांटेड पार्टिकल्स गो एंड सेटल डाउन ओके ये पानी जो बच जाएगा सेटल डाउन इंप्योरिटीज होने के बाद उस पानी को फिर हम आगे बढ़ाएंगे आगे कहाँ बढ़ाएंगे सेडिमेंटेशन ऑफ इंप्योरिटीज बाय ट्रीटमेंट विथ एलम पहले हमने सॉलिड इंप्योरिटीज को अलग किया फिर एलम के साथ ट्रीट करके और जो इंप्योरिटीज बच जाएंगी उसको हम ठीक करने वाले हैं बच्चों ओके एंड देन फिल्ट्रेशन ऑफ थ्रू फिल्ट्रेशन टैंक अभी तक सेडिमेंटेशन एक सेपरेशन टेक्निक जिसका जिक्र हुआ फिल्ट्रेशन है एक सेपरेशन टेक्निक जिसका जिक्र हुआ है ओके okay? और अगली टेक्निक देखो क्या है क्लोरिनेशन ऑफ द फिल्टर्ड वाटर बच्चों इन चारों स्टेप्स को हम समझेंगे पहले आपको इनके नाम जानने जरूरी है और फिर डिटेल में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली exactly हो क्या रहा है वट इज द फर्स्ट स्टेप इट इज सेडिमेंटेशन ऑफ सॉलिड इंप्योरिटीज उनको हम अलग कर देंगे रिमूव कर देंगे सेडिमेंटेशन प्रोसेस से जब सॉलिड इम्प्योरिटीज अलग हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे दोबारा सेडिमेंटेशन टैंक में हम डालेंगे पर इस बार लोडिंग होगी वहां पर क्या होने वाली है लोडिंग क्या आप जानते हैं लोडिंग क्या होती है बताइए सोचिए सेकेंड स्टेप में लोडिंग होने वाली है लोडिंग किसकी मदद से होगी यह भी हम जानेंगे ओके थर्ड स्टेप होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो कि होगा फिल्ट्रेशन हमारे घरों में भी तो फिल्टर होता है राइट right? फिल्ट्रेशन होता है फिर पानी का एंड देन कम्स क्लोरिनेशन अब आप बोलोगे मैम ये जो बड़े बड़े टर्म्स है सेडिमेंटेशन फिल्ट्रेशन लोडिंग क्लोरिनेशन ये सब क्या है क्या होगा वहां पर चलिए अभी जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप तो पहला स्टेप हमारा sedimentation of solid impurities के बारे में में जानते हैं इस step में क्या होगा देखिए जरा यहाँ पर we are going to remove suspended solids. Suspended solids. मतलब जो मोटे मोटा कचरा होता है ना आप जानते हो ना कि पानी में कितनी सारी चीजें डाली जाती है राइट एंड वी ह्यूमन बींगस आर पोलूटिंग वॉटर अलॉट फ्रेश वाटर कितना कम बच गया है हाँ या ना 0.002 परसेंट कहेंगे हम बल्कि सो so, जब पानी फ्रेश वाटर इतना कम है तो हमें उसे बहुत संभाल कर यूज करना होगा बच्चों बिकॉज जल ही कल है आई होप यू अंडरस्टैंड राइट सो राइट ना वॉट वी आर गोइंग टू डूर्स अंडरस्टैंड हाउ टू रिमूव दिज इंप्योरिटीज फ्राम दी वाटर ताकि हम हमारे घरों में यूज कर सके सबसे पहले जो भी सॉलिड इंप्योरिटीज होगी मोटा कचरा होगा बड़ा बड़ा अन वॉन्टेड चीजें इम्प्योरिटीज होगी, उस सबको निकाल देंगे हम

क्या किया हमने सेडिमेंटेशन टैंक में सारे सॉलिड इंप्योरिटीज को हमने निकाल दिया कैसे निकाला वो सारे जाके नीचे सेटल हो गए राइट right? सो so, पानी में से सारे सॉलिड नीचे सेटल हो जाएंगे तो फिर वो पानी को हम अलग कर लेंगे सारा सॉलिड कचरा एक तरफ हो गया क्लियर है पहला स्टेप क्लियर है ना सेडिमेंटेशन टैंक में क्या हुआ अब बहुत अलग अलग जगहों पर अपने घरों के आसपास भी सेडिमेंटेशन टैंक्स देखते ही होंगे जहां पर सारी सॉलिड इंप्योरिटीज नीचे रह जाएंगी इकट्ठी होकर ओके स्टूडेंट्स नाउ वंस द हैवीअर सॉलिड इंप्योरिटी सेटल डाउन वी रिमूव द वाटर अब इस पानी के साथ क्या किया जाए तो क्या ये पानी प्योर हो गया बिल्कुल नहीं और भी इंप्योरिटीज बाकी हैं इस पानी में और ये जो इंप्योरिटीज होंगी ये सॉलिड तो नहीं होंगी पर बहुत महीम छोटे-छोटे पार्टिकल्स मिट्टी पत्थर भी रह सकते हैं ओके okay? सो so, हमने सॉलिड इंप्योरिटीज को अलग किया है पर फिर भी अभी भी पानी में कुछ छोटे 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 छोटे-छोटे पार्टिकल्स बाकी हैं जो हम यूज नहीं कर पाएंगे उन्हें अलग करना बहुत जरूरी है तो अगले स्टेप में देखिए क्या हो रहा है लोडिंग हो रही है क्या हो रहा है बच्चों लोडिंग सो वट एग्जैक्टली इज लोडिंग लोडिंग क्या होगा सेडिमेंटेशन को बढ़ाने के लिए लोडिंग किया जाता है क्या होता है इसमें ये जो पार्टिकल्स हैं जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं वो नीचे जाके सेटल डाउन होंगे राइट right? सो so, बहुत वक्त लग जाएगा ऐसे तो सॉलिड तो सारे निकल गए पर अब भी कुछ इम्प्योरिटीज बाकी है तो हम एलम डाल देंगे उसमें क्या डाल देंगे एलम सो वोटैश एलम वी आर गोइंग टू एड इन द टैंक तो क्या होगा उससे देखिए विद एलम वॉट पार्टिकल्स लाइक क्ले बींग नेगेटिवली चार्ज आर न्यूट्रलाइज बाई एलम एंड आर को एग्युलेटेड एट बॉटम ऑफ द टैंक जो भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो एलम से जुड़ के सारे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे समझ रहे हो आप यहाँ पे क्या हो रहा है गंद को पूरा इकट्ठा कर लेगा एलम क्या करेगा नेगेटिवली चार्ज क्ले पार्टिकल्स डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं मिट्टी हो सकते हैं छोटे छोड़ छोटे पत्थर हो सकते हैं जो भी नेगेटिवली चार्ज चीजें होंगी उन सारे को एलम इकट्ठा करके नीचे जाके सेटल डाउन करवा देगा सो so, नाउ विद लोडिंग बाई एडिंग पोटेशलम वट एग्जैक्टली इज हमारा जो पानी है उसमें से हम मिट्टी को क्ले को अलग कर देंगे इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू राइट समझ गए हम ये बात अब बच्चों जब लोडिंग हो गया है तो आगे क्या किया जाए आगे हम करेंगे फिल्ट्रेशन क्या करेंगे हम फिल्ट्रेशन सो बताइए जरा फिल्ट्रेशन क्या होता है फिल्ट्रेशन वर्ड तो हम सब नहीं सुन रखा है फिल्टर्स हमारे घर में भी होते हैं राइट वाटर प्योरीफायर वाटर फिल्टर भी तो कहते हैं हम जो हम हमारे घरों में यूज करते हैं होता क्या है फिल्टर में आपने अपने घरों में एक स्टील का फिल्टर देखा होगा हमेशा उसमें रॉड्स होते हैं फिल्टर्स होते हैं जिससे पूरा मिट्टी और पतला पतला छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल्स ऊपर रह जाते हैं हाँ है ना सो so यही होगा फिल्ट्रेशन में जो पानी सेडिमेंटेशन टैंक के बाद निकला लोडिंग टैंक से जब वो बाहर निकलेगा तब क्या होगा देखिए जरा तब ये होगा कि उस पानी में अभी भी फाइन और कोर्स ग्रेवल बचा होगा ओके सॉलिड इम्प्योरिटीज निकलेंगी हमारे सेडिमेंटेशन से बट फिर भी कुछ बहुत महीम छोटे सॉलिड्स होते हैं जो अब भी रह गए हैं इसी के लिए हम करेंगे फिल्ट्रेशन बच्चों साइज का ध्यान रखेंगे हम पहले बड़े बड़े सॉलिड्स को हमने रिमूव किया फिर बारी आई फिर हमने जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं बड़े बड़े पत्थर पार्टिकल्स होते हैं अलग अलग चीजें होती हैं पानी में सो so, जितना हो सकता है हम सॉलिड इम्प्योरिटी को अलग करने की कोशिश करते हैं सेडिमेंटेशन से बट फिर भी प्योर वाटर नहीं मिलता हमें उसको फिल्ट्रेशन से पास करवाना ही पड़ेगा फिल्ट्रेशन में क्या होता है देखिए जरा फिल्ट्रेशन हम क्यों कर रहे हैं टू रिमूव डिजॉल्व सॉलिड्स बाई पासिंग द वॉटर थ्रू फिल्ट्रेशन टैंक विच पोजेस थ्री लेयर्स फिल्ट्रेशन टैंक में तीन लेयर बनेंगे बच्चों कितने तीन लेयर होंगे उसमें तो उन तीन लेयर्स में होगा क्या सेपरेशन होगा कुछ कुछ चीजें अलग हो जाएंगी पानी में क्या चीजें प्रेजेंट है अभी पानी में बच्चों कोर्स ग्रेवल है फाइन ग्रेवल पसंद है सैंड प्रेजेंट है ओके सो okay? so ये सब अलग करने की जिम्मेदारी होगी इस फिल्ट्रेशन टैंक की देखिए गौर से देखिएगा इस फिल्ट्रेशन टैंक को फिल्ट्रेशन टैंक में तीन लेयर नजर आ रहे हैं आपको फिल्ट्रेशन टैंक में आपको तीन लेयर नजर आ रहे होंगे इन तीनों लेयर्स में देखिए क्या है सबसे नीचे होगा कोर्स ग्रेवल कोर्स ग्रेवल मतलब मोटे-मोटे पत्थर ओके okay, मोटे मतलब बहुत ज्यादा मोटे भी नहीं कंकर कह सकते हो आप इन्हें ओके सो दिस कोर्स ग्रेवल इज रिमूव्ड इन द बॉटम लेयर ठीक है फिर उसके ऊपर लेयर होगा छोटा सा और फाइन ग्रेवल कंकर से भी छोटे बहुत छोटे-छोटे पत्थर होते हैं मतलब पत्थर भी नहीं कह सकते उनको हम ग्रेवल कहते हैं इसीलिए बिकॉज इफ यू सी केयरफुली ग्रेवल इज नथिंग बट द स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स और यू कैन टेल स्टोन्स और क्ले अलग अलग चीज़ें मिलके पानी में इकट्ठी हो जाती हैं बच्चों तो उस चीज़ को हमें अलग करना है ओके सो फिल्ट्रेशन टैंक में वो जो बिना मतलब के अनवांटेड पदार्थ है उन्हें हम अलग करने वाले हैं सो स्टूडेंट्स लुक हियर केयरफुली व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग नीचे कोर्स ग्रेवल प्रेजेंट है राइट right? सो so, इस कोर्स ग्रेवल को अलग करने के बाद फिर फाइन ग्रेवल अलग किया जाता है और सबसे ऊपर होता है सैंड फाइन सैंड, बहुत फाइन पतली सी महीम सी सैंड मिट्टी प्रेजेंट होती है जो अलग होती है कभी आपने अपने घरों में देखा है जब मम्मी पानी भरती है तो मटके में पानी भरने से पहले एक पतला सा एक चुन्नी या फिर एक कपड़ा डाल दिया जाता है जिसमें डस्ट पार्टिकल्स रह जाते हैं और पानी निकल के नीचे आ जाता है so that's what is happening in this filtration tank, is it clear to all of you? पहले coarse gravel को अलग किया फिर fine gravel को अलग किया और फिर जो fine sand present थी उसको भी हमने अलग कर दिया है तो ऊपर आ जाएगा pure water। so अब आपको ये कहना है पानी pure हुआ कि नहीं सारे अनवॉन्टेड सॉलिड impurities आर बींग removed फ्रॉम दिस वॉटर अब बताइए जरा तो क्या पानी प्योर हो गया

तो अब हमें ये जानना है जब पानी में से सारा सॉलिड पार्टिकल्स निकल चुके हैं छोटे से छोटे पार्टिकल्स भी निकल चुके हैं तो ये पानी प्योर होते हुए भी प्योर क्यों नहीं है क्या ये पानी हम यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते इस पानी को हम क्लोरीनेशन टैंक में भेजेंगे बच्चों किस में भेजेंगे क्लोरिनेशन टैंक में अब आप पूछोगे क्यों क्लोरिनेशन से हम बैक्टीरिया को किल कर देंगे बच्चों किसको किल करने वाले हैं हम बैक्टीरिया को किल करेंगे हम bacteria is killed with this chlorination what exactly happen is filtered water is treated with bleaching powder to kill bacteria the pure water is now supplied to the homes for drinking purposes ghar pahunchne ke liye chlorination ka hona bahut zyada zaruri hai जो भी bacteria है जो पानी में पाया जा सकता है उसे remove करना होगा हमें अब आप बोलोगे मैम कैसे अभी बता देते हैं आप सभी अपने घर के आसपास या कभी स्विमिंग पूल में जरूर गए होंगे तो स्विमिंग पूल में जो पानी होता है उसमें थोड़ी सी खुशबू सी आती है अलग सी क्यों आती है वो खुशबू क्या आप जानते हैं क्योंकि क्लोरिनेशन हो रखा है बैक्टीरिया को किल करने के लिए कैसे होता है क्लोरिनेशन देख लीजिए जरा ये स्विमिंग पूल का पानी है बच्चों इसमें ना अलग अलग तरीके का गंद या कचरा फंस सकता है बैक्टीरिया हो सकता है राइट सो सॉलिड इंप्योरिटी आराम से फिल्ट्रेशन से या छान के या फिर हम किसी औजार की मदद से अलग कर सकते हैं बट पानी को हम इम्प्योर को प्योर करेंगे बाय एडिंग क्लोरिनेशन हम क्लोरिनेशन करेंगे यहां पे देखा होगा आपने कि कैसे यहां पर हमने एक बड़ा सा अगर आपने देखा हो देखो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसमें क्या होता है बच्चों ब्लीचिंग पाउडर सो दिस ब्लीचिंग पाउडर इज यूज टू किल देखे डाला इसमें देखो ये डाल दिया क्लियर है अब इसको पानी में डाल दिया जाए तो ये एक छोटी सी सावन की टिक्की की तरह दिखने वाली चीज जाकर पूरे पानी के बैक्टीरिया को किल कर देगी और इसी की वो खुशबू है बच्चों जो हमें स्विमिंग पूल्स में आती है सो आई होप नाव क्लोरिनेशन सो बच्चों क्या हुआ हमारा पानी ने पहले कहा पहुंचा पानी पानी पहुंचा सेडिमेंटेशन टैंक में फिर कहां पहुंचा लोडिंग करके जो बाकी सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे हमने उनको अलग कर दिया हा है ना देखिए सबसे पहले सेडिमेंटेशन टैंक में क्या हुआ सेडिमेंटेशन टैंक में वी अलाउ टू सेटल डाउन सेडिमेंटेशन टैंक में आराम से सारे सॉलिड्स को नीचे सेटल होने हमने दिया फिर हमने उसको लोडिंग टैंक में भेजा किस में भेजा बच्चों लोडिंग टैंक में वाई टू सेडिमेंट सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज जो इंप्योरिटीज अलग हुई है ना ओके okay, सेडिमेंट और भी जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको अलग करने के लिए सेडिमेंटेशन होता है यहाँ पर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज का पहले कचरा कलेक्ट हुआ अब उसको अलग भी तो करना पड़ेगा सेडिमेंटेशन की हेल्प से हाँ है ना पहले सेडिमेंटेशन टैंक में वी अलाउ टू सेटल डाउन एंड देन पुट इट इन द लोडिंग द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज एंड देन मोस्ट इंटरेस्टिंग वन फिल्ट्रेशन टैंक फिल्ट्रेशन टैंक में देखिए कैसे पानी अलग है फाइन सैंड अलग है ग्रेवल कोर्स ग्रेवल फाइन ग्रेवल आप समझ गए होंगे आप साफ नजर आ रहा है इस इमेज में कैसे अलग अलग पत्थर देखो नीचे सेलेक्ट हो गए हैं यहाँ पर हाँ है ना सो आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू सो देखो सारा पानी ऊपर चला गया है अब राइट दिस वॉटर इज नाउ सेंट इन द क्लोरिनेशन टैंक टू किल द बैक्टीरिया और फिर आता है ये हमारे घरों में इन द होम हमारे टैप में सो so, बच्चो आई होप नाउ इज द वाटर बींग प्योरीफाइड सेडिमेंटेशन टैंक लोडिंग टैंक फिल्ट्रेशन टैंक और क्लोरिनेशन टैंक ये चार चीजों से पास होगा हमारा ये पानी क्लियर है ऑल ऑफ यू वेरी गुड देन इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टूडेंट्स नव यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे ये जो हमारा सी वाटर है ना बच्चों ये जो हमारा सी वाटर है वाटर को कैसे प्योरीफाई किया ये तो हमने जाना तो बच्चों क्या आप जानते हो कि सी वाटर में ओशंस में रिवर्स में सभी के पानी में नमक पाया जाता है क्या पाया जाता है बच्चों नमक वाटर सी इट नमकीन होता है ना कभी अगर आपने चक्के देखा हो तो हाँ है ना तो अब मैं आपको बताऊंगी बच्चों जब हमने ये जाना कि पानी को कैसे प्योरीफाई करते हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि पानी में से नमक को कैसे अलग किया जाए डू यू गैट नो अबाउट इट सोचिए जरा क्या आप जानते हैं कि पानी में से नमक को कैसे अलग किया जाए सॉल्ट कैसे निकलेगा पानी में से इसी सवाल का जवाब अब हमें ढूंढना है बच्चों नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने जैसे ये जाना कि पानी कैसे प्योरीफाई होता है इसी तरीके कुछ और सवाल का जवाब भी मैं आपको देना चाहूंगी बच्चों तो ये अगला और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके दिमाग में कि भाई सॉल्ट कैसे निकलेगा पानी में से और जो निकलेगा वो सॉल्ट का प्योर होगा हाउ टू प्योरीफाई दैट सॉल्ट राइट स्टूडेंट्स इन सवालों के जवाब मैं अब आपको देने वाली हूँ बच्चों आपको ये समझना होगा कि हमारी जिंदगी में हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं आर दे ऑल प्योर हमने ये जाना कैसे मिक्सचर्स प्रेजेंट है कैसे हम उनको अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें अलग करेंगे सेपरेट करेंगे यहाँ पर भी यही तो हो रहा है पानी में जिसमें नमक है हम पानी को अलग करना चाहते हैं नमक को अलग करना चाहते हैं पानी को अलग करके उसको हमने प्योरीफाई करके यूज़ कर लिया नमक को अलग करके उसको प्योरीफाई करके यूज़ कर लेंगे क्लियर और वो कैसे होगा चलिए पानी को प्योरीफाई कैसे करते हैं हमने जान लिया है Now let's understand and find out how do we obtain salt. चलिए sea water is first evaporated to get salt. पहले क्या होगा जो sea water होगा उसे हम evaporation से pass करेंगे It is first evaporated to get the salt. बच्चों बोलोगे मैम salt पानी में कैसे होगा देखिए जरा यहां साफ नजर आ रहा है कितना सारा नजर आ रहा है कि नहीं ये salt, ये एक्सैक्टली exactly, हम इसको ये मिट्टी कहेंगे हम एक तरह से इसमें सिर्फ और सिर्फ सोल्ट ही नहीं है और भी बहुत कुछ मिला हुआ है राइट right? तो हमें अलग करनी होंगी चीजों पानी में बहुत सारी अलग अलग चीजें पाई जाती हैं बच्चों राइट सो नाउ वी हैव टू ऑपटेन सोल्ट फ्रॉम वाटर सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर वी गोइंग टू डू वी आर गोइंग टूपोरेटेडोरेशन होगा और फिर द सॉल्ट दस ऑपटेन कंटेन इम्प्योरिटी क्या होगा बच्चों इम्प्योरिटीज होने वाले हैं इसमें पानी में से नमक तो निकला पर नमक प्योर नहीं है बहुत सारी अनवांटेड अननेसेसरी इम्प्योरिटीज इसमें प्रेजेंट हैं तो हमारा काम होगा इन इम्प्योरिटीज को भी अलग करना और वो कैसे अलग होगा वो अलग होगा बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सो अगर आपसे कोई पूछे सॉल्ट कैसे निकालें से तो हमें क्या करना होगा हमें दो स्टेप्स है करने पहला स्टेप है कॉमन सॉल्ट को हम इट कैन बी सेपरेटेड बाय बाय मिक्सचर पहला काम होगा इवेपोरेशन इवेपोरेशन क्या होता है आप सभी जानते हैं हमने क्लास नाइन्थ के सेकंड चैप्टर इज मैटर में जब सेपरेशन टेक्निक्स का जिक्र किया तो हमने इवेपोरेशन के बारे में डिटेल में समझा था राइट right. हमने ये जाना था ना कि कैसे वाटर साइकिल में बारिश के लिए इवेपोरेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैंने आपको बॉइलिंग और इवेपोरेशन में फर्क भी बताया है बच्चों सो फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज हम इस नमक को कॉमन सॉल्ट को सेपरेट करेंगे इसके मिक्सचर से बाय इवेपोरेशन इवेपोरेशन करने पर क्या निकल आएगा सॉल्ट निकल आएगा क्या निकलेगा बच्चों सॉल्ट अब सवाल है कि क्या ये सॉल्ट प्योर है नहीं, बिल्कुल नहीं इस सॉल्ट को प्योरीफाई करना पड़ेगा कैसे करें इसको प्योरीफाई बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या है बच्चों क्रिस्टलाइजेशन क्या आप जानते हैं क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया है बच्चों सोचिए जरा व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन रिमेंबर व्हाट एग्जैक्टली इज क्रिस्टलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स एक यूनिफाइड शेप में क्रिस्टल्स का फॉर्म होने को ही हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन और बच्चों क्रिस्टलाइजेशन किस लिए यूज करते हैं हम, से को निकालने के लिए हम बहुत सारी है नमक में से जिसको हम निकाल कर प्योर सॉल्ट हम पा लेंगे आई होप नाउ दिस कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स चलिए फिर अगर हमने जाना कि सॉल्ट कैसे ऑप्टेन हो गया है अब एक और इंटरेस्टिंग काम करते हैं अब हम करेंगे ये ढूंढेंगे हाउ टू सेपरेट द डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट इन एयर हवा एयर एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस राइट सो जैसे मैंने आपको बताया हाउ टू प्योरीफाई वाटर अब मैं बताने वाली हूं हाउ टू सेपरेट द गैसेस प्रेजेंट इन एयर इसके बारे में थोड़ा आइडिया मैंने आपको पिछली क्लास में दे दिया था मैंने बताया था कि कैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से एयर के अलग अलग कंपोनेंट्स यानी कि अलग अलग गैसेस को हम अलग कर सकते हैं आई वॉन्ट यू टू नो इन डिटेल अबाउट इट सो आर यू रेडी वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू सेपरेट द गैसेज प्रेजेंट इन द एयर तो पहली चीज बच्चों हम ये जानते हैं कि एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर एयर कंटेन्स मैनी डिफरेंट गैसेस

फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कुछ याद आया ये वर्ड सुन के ये टर्म सुन के याद आया ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है बच्चों डिस्टिलेशन मतलब प्लस कंडेंसेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब कि जब हम फ्रैक्शंस में अलग अलग गैसेस को अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स पे उनको कलेक्ट कर लेंगे दिस विल हैपन ओनली बिकॉज ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बाई जोन अलग अलग होते हैं हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर सब अलग से होता है क्लियर टू ऑल ऑफ यू सो देखिये हम क्या करेंगे एयर को सबसे पहले लिक्विड एयर बनाएंगे एग्जैक्टली exactly अगर मैं कहूँ प्रॉपर टेक्निकल टर्म्स में वी आर नाउ गोइंग टू डू लिक्विफेक्शन क्या कर रहे हैं हम लिक्विफेक्शन देखते हैं कैसे हम कैसे करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इस एयर को हमें compress करना होगा. क्या करना होगा कंप्रेस हम जानते हैं ना गैसेसर हाईली कंप्रेस एयर इज इन गैश स्टेट तो अब इस एयर को हम कंप्रेस कर देंगे कैसे कंप्रेस करेंगे कंप्रेस करने के बाद हमें एक काम और करना है उसको कूल cool भी करना है बाई इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर पहले उसे कंप्रेस किया जाए ओके okay. कंप्रेस करने के बाद फिर उसको कूल cool करना पड़ेगा कंप्रेस करने के लिए वी हैव टू गिप अपीट राइट हमें कंप्रेस करेंगे पहले उसको कलेक्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे वी आर गोइंग टू कूल बाई इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर यह कंडीशन याद रखिएगा एयर लिक्विड एयर कब बनेगा बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू By इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द temperature, लिक्विड एयर बन जाएगा यह बात आपको याद रखनी है ओके okay? जब एयर से लिक्विड एयर बन गया फिर क्या किया जाए अब हमें क्या करना होगा इस लिक्विड एयर को वी नीड टू अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम यहाँ पे पूरा बॉइलिंग पॉइंट्स का खेल है बच्चों सो so, जो भी गैसेस हमें कलेक्ट करनी है जैसे ही उस गैस का बॉइलिंग पॉइंट रीच होगा पहले उस गैस को कलेक्ट कर लो फिर अगला फिर उस अगले गैस को कलेक्ट कर लो यही होगा यहां पर एयर को पहले लिक्विड एयर बनाओ फिर इस लिक्विड एयर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में डालो क्लियर है ये बात अब आप पूछोगे मैम एयर को लिक्विड एयर बनाने के लिए आप कह रहे हो लो टेम्परेचर कितना टेम्परेचर माइनस टू डिग्री सेल्सियस करना पड़ेगा हमको क्योंकि हम कह रहे हैं कंप्रेस एंड कूल बाई इंक्रीजिंग प्रेशर डिक्रीजिंग टेम्परेचर टेम्परेचर कितना होगा देखिए माइनस टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस के करीब होने वाला है एक बार एयर लिक्विड एयर बन गया तो फिर हम उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में डाल देंगे और वहां पे पता है क्या निकल के आएगा नाइट्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग ओके okay, आर्गन अलग सब अलग अलग हो जाएगा अब आप पूछोगे मैम सीओ टू सीओ टू को भी अलग करते हैं रुक जाइए जरा पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि कैसे हमने एयर को लिक्विड एयर किया फिर उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा हमने अलग अलग कर दिया अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा मैम एग्जैक्टली बताइए ना कैसे क्या किया अभी बता दिया जाएगा बच्चों आपको हम क्या करेंगे लिक्विड एयर को पहले ऑप्टेन करेंगे लिक्विड एयर को कैसे ऑप्टेन कर रहे हैं हम कंप्रेस करेंगे और टेम्परेचर कम हो जाएगा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तब हमारा लिक्विड एयर बन जाएगा इस लिक्विड एयर के साथ हम क्या करेंगे द लिक्विड एयर इज अलाउड टू वॉर्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम वेयर गैसेज गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स डिपेंडिंग अपॉन देर बॉइलिंग पॉइंट्स खास बात यही है उनके बॉइलिंग पॉइंट्स पर डिपेंड करेगा कि वो कैसे और कहाँ अलग होंगे अब आप पूछोगे मैम ऑर्गन का बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट इन सब का बॉइलिंग पॉइंट बताइए देखिए ऑक्सीजन आर्गन नाइट्रोजन सभी का बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपके लिए यहाँ पर मेंशन किया है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी ये मेंशनड है सो व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स? ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट है -183 डिग्री सेल्सियस आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट है -186 डिग्री सेल्सियस और नाइट्रोजन का होगा -196 ये बॉइलिंग पॉइंट का खेल देखिए जब इस टेंपरेचर पे बात पहुंचेगी तब जाके चीजें यानी कि गैसेस अलग अलग हो जाएंगी इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू मैं बाकायदा आपको वो सिस्टम वो प्लांट दिखाती हूँ जहां पर ऐसा होता है देखिएगा हम लोगों ने एयर डाला अंदर ओके okay? एयर हम पहली चीज मैंने बताई थी ना आपको एयर पे प्रेशर डालना है अपने को क्या करना है प्रेशर डालना है तो सबसे पहली बात एयर को अंडर प्रेशर हमने डाल दिया ओके okay? तो अंडर प्रेशर अगर हम डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली कंप्रेस करने के लिए तब तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही ओके okay, तो एयर कैसी हो जाएगी गरम हो जाएगी तो इस हॉट एयर को अब हमें कूल करना होगा माइनस में डिग्रीस टेम्परेचर है भाई तो माइनस करने के लिए कूल तो करना ही पड़ेगा कैसे कूल करें देखिए यहाँ पर फ्रीजिंग कोल्ड वाटर को हम अंदर डालेंगे फिर वो पानी बाहर कलेक्ट कर लिया फिर ठंडा और पानी डाला फिर उसको बाहर कलेक्ट कर लिया वाटर इन वाटर आउट ठंडे पानी से हम इस गरम-गरम हवा को ठंडे पानी में से पास करवाएंगे ताकि हम टेम्परेचर को कम कर सके ठंडा पानी, पानी मिलाना पड़ता है ठंडा पानी डाला अब ये बताओ क्या करेगी इसको अब हम देखो कैसे सेपरेट करेंगे। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड सीओ टू को हमें अलग करना है क्या करना है देखो सीओ टू को अलग कर देना है सीओ टू सबसे पहले निकल जाएगी ओके okay? कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे पहले निकल जाएगी क्योंकि हम इसको सेपरेटर में से अलग कर लेते हैं अब आगे बढ़ेंगे इसी को हम लिक्विड एयर को आगे बढ़ाएंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में जब हम डाल देंगे तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम अपना कमाल करेगा कैसे करेगा टेम्परेचर जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट पर रीच होगा वैसे वैसे चीजें अलग होती चली जाएंगी नाइट्रोजन निकल जाएगा ऑर्गन निकल जाएगा फिर लास्ट में हम लिक्विड ऑक्सीजन को भी कलेक्ट कर लेंगे सिंपल लॉजिक है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट का ही है खेल पूरा सो बॉइलिंग पॉइंट आपको याद होंगे इनके जो मैंने आपको बताए हैं माइनस वन एटी थ्री है ऑक्सीजन का माइनस वन एटी सिक्स है नाइट्रोजन का, का अगर देखा हो माइनस वन एटी थ्री ऑक्सीजन का है इसीलिए पहले ऑर्गन नाइट्रोजन निकल गए ऑर्गन और नाइट्रोजन निकल गए और बाद में आया हमारा लिक्विड ऑक्सीजन सो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड हैट एग्जैक्टली इज हैपनिंग टू सेपरेट द कॉम्पोनेट्स ऑफ एयर इस सवाल का जवाब भी ढूंढ लिया है हमने कि कैसे एयर में प्रेजेंट गैसेस को हमने अलग किया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से किया किससे किया बच्चों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से एयर तभी अलग हो पाएगा जब एयर को लिक्विड एयर में कन्वर्ट किया जाए क्या किया जाए एयर को हम लिक्विड एयर में कन्वर्ट करेंगे इस लिक्विड एयर के साथ ही होगा कमाल सारा सो लिक्विड एयर को अगर हमें चाहिए तो हम कैसे करेंगे हमें एयर को कंप्रेस करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा कंप्रेस करना पड़ेगा ओके okay, जब हम कंप्रेस करेंगे तो ऑब्वियसली जो एयर है वो हॉट होगी टेम्परेचर प्रेशर का खेल याद रखना प्रेशर कैसा होना चाहिए यू हैव टू इंक्रीज द प्रेशर एंड डिक्रीज द टेम्परेचर याद रहेगी ये बात बच्चों यू हैव टू इंक्रीज द प्रेशर एंड डिक्रीज द टेम्परेचर उल्टा है दोनों का ठीक है लिक्विड एयर बनने के बाद फ्रैक्शनल डिस्लेशन कॉलम से इसको पास करवा देंगे अलग अलग गैसेस निकल के आ जाएंगे अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स पे अलग अलग हाइट पे इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ ग्रेट सो नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ आप ऑलरेडी अपनी यंगर क्लासेस में सीख चुके हो बट दोबारा फिर से क्लास नाइन्थ में ये आती है हमारे टेक्स्ट बुक में भी प्रेजेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंस हम कह सकते हैं वही है ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है इसीलिए मेरा फर्ज बनता है कि ये मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा दू बच्चों आपने यंगर क्लासेस में जरूर सीख लिया होगा बट क्योंकि इस चैप्टर के लिए केमिस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है तो जल्दी से इसके बारे में हम जान लेते हैं स्टूडेंट्स बच्चों यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज सिंपल फिजिकल चेंज क्या होता है पता होना चाहिए केमिकल चेंज क्या होता है ये भी पता होना चाहिए नाम में ही काम हो जाना है यहाँ पे तो फिजिकल चेंज ऐसे चेंज को फिजिकल चेंज हम कहेंगे ओके okay बच्चों अब आप बोलोगे मैम ये चेंज क्या है फिजिकल होता है केमिकल होता है ये तो बता दिया चेंज मतलब हमारे आसपास कितनी चीजें बदलती हैं देर आर वेरियस टाइप्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस विच टेक्स प्लेस अराउंड अस हमारे आसपास बहुत सारे चेंजेस होते हैं भाई तो फिर इन चेंजेस को क्लासीफाई कैसे किया हमने अलग अलग कैसे किया डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट ऑफ जो प्रोडक्ट बनाना चेंज के बाद उसके हिसाब से हमने इस चेंज को क्लासिफाई किया है कितने चेंजेस है टोटल फिजिकल चेंजेस केमिकल चेंजेस अब हम जान लेते हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करके क्लासिफाई हुए हैं किसके ऊपर प्रोडक्ट विच इज फॉर्मड सो नाउ लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज अ फिजिकल चेंज बहुत इजी है फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी अब आप बोलोगे मैम फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है सभी जानते हैं हार्डनेस कलर शेप साइज रिजिडिटी फ्लूडिटी डेंसिटी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कितने सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं बच्चों जब किसी चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी तो वो चेंज एक फिजिकल चेंज कहलाएगा एग्जाम्पल्स देखो चीज़ें आसान हो जाएंगी एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस मेल्टिंग ऑफ वैक्स चेंज ऑफ स्टेट जैसे कि अगर बर्फ़ का पानी बन जाना पानी का भाफ बन जाना फिजिकल चेंज में क्या हो रहा है बच्चों चेंजेस विच अकर विदाउट ए चेंज इन कॉम्पोजिशन एंड इन केमिकल फिजिकल चेंज में ना कॉम्पोजिशन नहीं बदलती है नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है वही रहेगा फिजिकल कॉम्पोजिशन बिल्कुल सेम रहेगी फिजिकल चेंज में अगर हम पेपर को फोल्ड कर रहे हैं या पेपर को श्रेड कर रहे हैं तो पेपर तो वही रहेगा उसकी कॉम्पोजिशन तो वही है यही बात समझनी है हमें शेप बदल जाना साइज बदल जाना मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाना बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाना रिजिडिटी डेंसिटी फ्लुइडिटी कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी अगर चेंज हो गई तो वो फिजिकल चेंज कहलाएगा ठीक है बच्चों फिजिकल चेंज समझे हम अब केमिकल चेंज की बात कर ली जाए बताइए जरा क्या होता है केमिकल चेंज सबसे पहली और जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड प्रोडक्ट में एक नया सब्सटेंस बन जाएगा और एक बात याद रखिए एक सबस्टेंस दूसरे सब्सटेंस से मिलके जब नया सब्सटेंस बनाएगा उसकी कॉम्पोजिशन बदल जाएगी उसकी प्रॉपर्टीज भी बदल जाएगी देखिए जरा इन सब्सटेंस रियक्टर गो चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन किस में केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी और एक नया सब्सटेंस बन जाएगा क्लियर है ये बात जो नया सब्सटेंस अगर बन गया तो बच्चों इस रिएक्शन को हम कहेंगे इस चेंज को हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज को क्या कहेंगे हम केमिकल रिएक्शन एग्जांपल बताऊं इजी है बहुत ज्यादा देखिए पानी और तेल दोनों खाना बनाने में यूज होता है वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड्स दोनों लिक्विड्स है और दोनों ही खाना बनाने में यूज होते हैं बट दोनों का काम अलग है ना उनकी केमिकल बिल्कुल अलग है जैसे कि दे डिफर इन ऑर्डर एंड इन फ्लेमेबिलिटी उनकी स्मेल अलग है है ना? पानी को आग लगाएंगे हम, हम पर तेल को जब हम चलाते हैं, पकाते हैं in air, whereas water extinguishes fire. आग लगती है तो पानी डालते हैं हम हाँ ना पर तेल पानी तेल आग को सपोर्ट करेगा तो कितना फर्क है दोनों के हाँ ना सो इट इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द वाटर दोनों लिक्विड होने के बावजूद भी बिल्कुल अलग हैं क्यों उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है ना इसीलिए एग्जाम्पल बताओगे तो और सिंपल हो जाएगा बर्निंग जलाना बर्निंग ऑफ ए पेपर इज अ वेरी कॉमन ऑफ केमिकल चेंज हम पेपर को जला सकते हैं वुड को जला सकते हैं एशेज बन जाएंगे कि नहीं सो बर्निंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज इज ए क्लियर अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए मैम फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल गई ठीक है केमिकल चेंज में केमिकल कॉम्पोजिशन बदल जाएगी प्रॉपर्टीज बदल जाएगा नया सप्शंस आ जाएगा तो फिजिकल प्रॉपर चेंजेस बच्चों जनरली टेम्पररी होते हैं और केमिकल चेंजेस परमानेंट फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं और केमिकल चेंजेस इर रिवर्सिबल अब आप बोलोगे मैम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में फ़र्क ज़रा बताइएगा देखिए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में एग्जाम्पल्स के साथ सबसे बड़ा फर्क यही है कि फिजिकल चेंज में मैटर चेंजेस फ्राम मैटर स्टेट्स बदल देता है अपना रूप बदल लेता है पर केमिकल आइडेंटिटी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है जिससे बनता है वो नहीं बदलता भाई फिजिकल चेंज में पर केमिकल चेंज में सब बदल जाएगा अंदर की बात सब बदल जाएगी देखिए केमिकल रिएक्शन फॉर्म्स न्यू प्रोडक्ट्स बिकॉज केमिकल कॉम्पोजिशन चेंजेस हाँ या ना एग्जाम्पल्स देखिए फिजिकल चेंज के मेल्टिंग श्रेडिंग चॉपिंग बॉइलिंग स्टेट बदल रहा है साइज बदलता है कहीं शेप बदल जाता है कहीं कलर बदल जाता है राइट right? कहीं स्मेल बदल जाती है तो so, सारे ही फिजिकल चेंजेस होंगे केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बन जाएगा कम्बशन कम्बशन मतलब बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस बर्निंग ऑफ फ्यूल्स राइट रोटिंग कोई चीज का खराब हो जाना एक बार अगर एक सेब या आम खराब हो जाए तो क्या वापस ठीक हो सकता है वही नहीं हो सकता ना ये भी एग्जाम्पल हो गया केमिकल चेंज का और देखिए रस्टिंग रस्टिंग हम सब ने सीखा था लोहे का जंग लग जाना राइट सो so, रस्टिंग भी एक केमिकल चेंज होगा और डाइजेशन हमारी ह्यूमन बॉडी में जो होता है एक बार जो खाना हजम हो गया वो वापस नहीं आता वही रिवर्सिबल है सो so, डाइजेशन की एक केमिकल चेंज कहलाएगा अब आप पूछो मैम एक ऐसा चेंज एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ जहां पर फिजिकल चेंज भी हो रहा हो केमिकल चेंज भी हो रहा हो अभी बता देते हैं बहुत सिंपल है बच्चों जब हम कोई चीज सीखते हैं तो जरूरी नहीं कि सब अलग अलग हो दोनों एक चीज दोनों ही चीजें एक साथ हो गई तो यही हमें जानना है दोनों फिजिकल और केमिकल चेंज एक साथ भी हो सकता है और उसका एक बहुत कॉमन और इजी एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कैंडल बर्निंग ऑफ कैंडल में दो चीजें होंगी फिजिकल चेंज भी केमिकल चेंज भी कैसे बता दू फिजिकल चेंज में बच्चों मेल्टिंग ऑफ वैक्स होगा क्या होगा मेल्टिंग ऑफ वैक्स मोम का पिघल जाना एक फिजिकल चेंज होगा पर ये जो थ्रेड है जिसे विक भी कहते हैं डब्ल्यू आई सी केमिकल चेंज एक बार ये जल गया ये धागा तो दोबारा नहीं आ सकता तो बर्निंग ऑफ विक विल बी यहाँ पर आप विक समझने के लिए थ्रेड भी लिख सकते हो क्या लिखेंगे हम थ्रेड ओके सो so, एक एग्जाम्पल देखा आपने जहां पे फिजिकल चेंज भी है केमिकल चेंज भी है तो बताइए बच्चों आज कुछ ज़रूरी कुछ इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में हमने चीज़ें सीखी हैं ये जो सवालों के जवाब हमें तभी मिल पाए हैं जब हमने चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर को जाना है इसके बिना इन सवालों के जवाब ढूंढना नामुमकिन था राइट हमने इस चैप्टर में कितनी अलग अलग चीजें जानी है हाँ या ना सबसे पहले हमने इस मैटर को क्लासिफाई कर दिया था क्या कर दिया था हमने मैटर के क्लासिफिकेशन को जाना समझा अलग अलग टाइप्स के चीजों को हमने जाना समझा राइट और रॉन्ग यू रिमेंबर राइट हमने ये जाना कि कैसे मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस राइट सो प्योर सब्सटेंस इन प्योर सब्सटेंस में हमने उसको क्लासिफाई कर दिया था क्लासिफिकेशन को जाना हमने जाना कि सॉल्यूशन के अलग-अलग टाइप्स -अलग कौन से होते हैं राइट ट्रू सॉल्यूशंस सस्पेंशन कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में हमने जाना और फिर हमने अलग-अलग सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में भी जाना सेपरेशन टेक्निक्स में दो सॉलिड्स को कैसे अलग किया जाए दो लिक्विड्स को कैसे अलग किया जाए एक सॉलिड एक लिक्विड हो तो कैसे अलग किया जाए याद है आपको दो सॉलिड्स को हमने अलग किया था एग्जाम्पल बताऊं एलोय ब्रास जिसमें कॉपर और जिंक दोनों प्रेजेंट होते हैं याद आ गया ना आप सभी को वी हैव लर्न दिस ऑल्सो सेपरेशन टेक्निक्स हमने सारी सीख ली हमने सेपरेशन टेक्निक्स सारी सीख ली कुछ नाम बताइए जरा कॉमनली हैंड पिकिंग सीविंग थ्रेशिंग विनोइंग ये तो आपने ऑलरेडी यंगर क्लासेस में सीख ली होगी हमने क्लास नाइन्थ में जाना कि अलग अलग टेक्निक्स होती है इवेपोरेशन क्रिस्टलाइजेशन क्रोमैटोग्राफी सेंट्रीफ्यूगेशन डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कितनी सारी टेक्निक्स हमने सीखी और इन्हीं को सीखने के बाद ही तो हमने आज जो सवालों के जवाब हम ढूंढ पाए हैं पहला सवाल क्या था हाउ टू प्योरीफाई वाटर हाउ डू वी ऑप्टेन सॉल्ट

आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट आप इन क्वेश्चन के जवाब आसानी से दे दोगे बहुत आसानी से दे दोगे सवाल बता दू जल्दी से नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन की फोटो खींचिए आप पहला सवाल है नेम द प्रोसेस एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग आपको क्या करना है अलग अलग सेपरेशन टेक्निक सीखी है फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर में बहुत सारे प्रोसेस के बारे में भी जाना है अब आपको ये स्टेटमेंट पढ़ना है और प्रोसेस का नाम बताना है पहला स्टेटमेंट देखियो ड्राई आइस इज रूम टेम्परेचर एट वन एटमोसफियर प्रेशर तो क्या होगा इस प्रोसेस का नाम बताइएगा अगला देखिए ए ड्रॉप ऑफ इंक प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर इन अ ग्लास थ्रू आउट वाटर होगा क्या आपको प्रोसेस का नाम बताना है जो इससे एसोसिएटेड होगा ओके okay बच्चों जरूर देखिए समझिए इन दोनों सवालों में कौन सा प्रोसेस होगा मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगला प्रोसेस कौन सा बताना है एन एसिटोन बॉटल इज लेफ्ट ओपन एंड द बॉटल बिकम्स एम्प्टी नेल पॉलिश रिमूवर ले लीजिए आप ओके okay? अगर उसके बॉटल को हमने खुला छोड़ दिया तो पूरा खाली हो जाएगा थोड़ी देर में हाँ या ना वही यहाँ कहा जा रहा है और देखिए मिल्क इज टर्न टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम एट बहुत ईजी है ये तो हाँ या ना याद आ गया होगा आपको सुनते ही और देखिए सेटलिंग ऑफ सैंड वेन मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम क्या होगा तब कौन सा प्रोसेस करेंगे फिर हम ओके okay? अगला फाइन बीम ऑफ लाइट एंटरिंग थ्रू स्मॉल होल इन ए डार्क रूम इम इल्यूमिनेट दार्टिकल्स इन इट्स पास लाइट जब पास होती है तो क्या होता है मैंने बताया था आपको बहुत जल्दी से और आसानी से आप इस क्वेश्चन के इन प्रोसेस के नाम बता दोगे आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इस सवाल के जवाब मिल जाएंगे बच्चों ओके आगे बढ़िए फिर आगे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स ब्लैक्स को भरना है ए कलॉयड इज अ डैश मिक्सचर एंड कॉम्पोनेट कैन बी सेटेड बाई टेक्निक नोन एज कोलॉइड एक कौन सा मिक्सचर है उसके कॉम्पोन को कैसे अलग अलग करें ओके okay? तो इसका जवाब आप आसानी से दे देंगे कोलॉइड तो हमने पढ़ रखा है अगला सवाल देखिए आइस वाटर एंड वाटर वेपर आर डिफरेंट एंड डिस्प्ले डिफरेंट डैश प्रॉपर्टीज बट दे आर डैश सेम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है बट आप आसानी से कर दोगे बच्चों ये तीनों स्टेट्स हैं ना आइस वाटर और वापर वाटर वेपर दे आर हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड दे विल डिफरेंट

आपको ये बताना है अपर फनल विल बी ऑफ लोअर लेयर में क्या होगा, में क्या होगा? और वाटर। डेंसिटी का खेल है पूरा जैसे ही आपको डेंसिटी पता चल जाएगी इसका आंसर आपको मिल जाएगा अगला सवाल मिक्सचर ऑफ टू और मोर डिफरेंस इन द केल्विन कैन बी द प्रोसेस ऑफ मैंने आपको बताया था ये सेपरेशन टेक्निक्स में जल्दी से कर देंगे इसे भी आप लास्ट क्वेश्चन ऑफ द ब्लैंक्स इज इज व्हेन लाइट पास थ्रू वाटर कंटेनिंग ऑफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क इट शोस ए ब्लू टिंज दिस इज ड्यू टू द डैश ऑफ लाइट बाय मिल्क एंड द दिन इज कॉल्ड डैश डैश दिस इंडिकेट्स दैट मिल्क इज अ इंडिकेट्सूशन तीन ब्लैंक्स देखिए घबराना नहीं है मिल्क क्या होता है पता है मिल्क में से लाइट पास होगी तो क्या होगा ये भी पता है आसानी से आंसर मिल जाएगा बच्चों ओके वेरी गुड क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ पर पूरा वर्ड प्ले किया हुआ है कंफ्यूज नहीं होना है बस आपको अच्छे से आंसर करना है ओके okay, बच्चों अगला सवाल नंबर थ्री बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आसानी से कर लोगे आप देखिए क्या है ओके okay? और फिर वन ग्राम ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट का भी मास दे रखा है फाइंड क्या करना है मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन हमें है ढूंढना मास परसेंटेज को कैसे फाइंड करें बताइए जरा मास परसेंटेज कैसे मिलेगा फॉर्मूला बताया था आपको मास बाय मास अगर हमें ढूंढना हो परसेंटेज तो कैसे ढूंढेंगे क्या था मास ऑफ द सॉल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन दे रखे हैं चीजें प्रॉपर सही जगह पर सही चीज सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा आंसर आपको मिल जाएगा राइट वेरी गुड अगला और आखिरी सवाल है राइट द रोल ऑफ फॉलोइंग इन वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम आपको तीन टैंक दे रखे हैं इनका काम समझाना है आपको कौन से टैंक हैं क्लोरिनेशन टैंक सेडिमेंटेशन टैंक लोडिंग टैंक इनका काम क्या है यही आपको है बताना अरे आसानी से बता दोगे आप राइट स्टूडेंट्स सो बच्चों आज की क्लास में आया बहुत सारा मजा क्योंकि हमने बहुत इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब दिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा रिवाइज किया जो हमने पिछले क्लासेस में भी सीखा था जो अब भी आना था राइट स्टूडेंट्स आई होप यू हैड फन गॉट आंसर्स ऑफ सम क्वेश्चन एंड आई होप यू विल बी एबल टू आंसर ऑल दिज क्वेश्चन एज वेल थोड़ा सा होमवर्क ज्यादा है पर मुझे पूरा है भरोसा कि आप सभी इसे आसानी से कर जाओगे राइट right, स्टूडेंट्स मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ नई उमंग के साथ अगले हफ्ते तब तक के लिए कीप एंजॉइंग कीप प्रैक्टिसिंग कीप वर्किंग हार्ड एंड डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट द होमवर्क थैंक यू सो मच बच्चों पढ़ाई करते रहे ऑल द वेरी बेस्ट